हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ पार्ट. अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6. फाइंड द फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन में क्या होगा, एक डिनोमिनेटर होगा और एक न्यूमरेटर होगा. तो न्यूमरेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर नीचे होता है. तो हम सपोज कर लेते हैं लेट न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, लेट न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इक्वल टू वाई. देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू, न्यूमरेटर ऊपर हो जाएगा, डिनोमिनेटर नीचे हो जाएगा, ये हमारा फ्रैक्शन हो गया. अब फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन आवर क्वेश्चन इज सेइंग 2 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. मीन्स न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दो, तो जो हमारी फ्रैक्शन है वो हो जाती है 9/11. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग. 11x प्लस 11 2 जा 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 9 2 जा 18. 11x इज इक्वल टू 9y प्लस 18 और प्लस 22 ट्रांसपोज अदर साइड -22. therefore 11x is equal to 9y minus 44. then x is equal to 9y minus 44 upon 11. equation number first. हम इसको यहां पर equation number first कर suppose कर लेते हैं. means हम इसको यहां पर transpose करते हैं 11x minus 9y is equal to minus 4. वहां पर भी equation हमारा हो जाता, लेकिन हम यहीं से x की value find out कर लेते हैं, क्योंकि हमने अपने दिमाग में सोच लिया कि हमें इसको substitution method से solve करना है. चलिए फ्रॉम सेकंड कंडीशन, व्हेन 3 इज एडेड टू बोथ मींस एक्स अपॉन वाई हमारा फ्रैक्शन है और न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर दे, डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दे, तो जो हमारा फ्रैक्शन बन जाता है वो 5/6 हो जाता है. 6 से हम मल्टीप्लाई करिए, 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 5 3 जा 15. 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 प्लस 18 उधर ट्रांसपोज करेंगे -18. जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है. ये प्लस 5y था, हम इसको इधर लेकर के आए -5y हो गया, प्लस 18 था इसको हमने उधर ट्रांसपोज किया -18 हो गया. नाउ वी हैव 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3. इक्वेशन नंबर सेकेंड. अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से जो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की है, एक्स के इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे. 14 एक्स इज इक्वल टू 9y माइनस 44/11 इन इक्वेशन नंबर सेकंड. 6 वैल्यू ऑफ एक्स 9y माइनस 44/11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3. 6 से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे और 11 से यहां क्रॉस और यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. चलिए पहले हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं. 6 9 जा 54 y माइनस 6 4 जा 24 प्लस 2 26 माइनस 11 5 जा 55 y इज इक्वल टू -33. देखते हैं हम लोग बेटा, ये आपका 54y और -55y, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 54y -55y हो जाएगा -y. इसके आगे देखते हैं हम लोग, इज इक्वल टू -33 -y 54 -55y -y इज इक्वल टू -33 और ये -24 इधर आएगा तो जाएगा +24. देयरफॉर -y इज इक्वल टू -9. माइनस इज कैंसिल बाई माइनस, y इज इक्वल टू 9.
अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू क्या आ गई, 9। चलिए हम लोग एक्स की वैल्यू यहां पर फाइंड आउट कर लेते हैं। 14 वाई इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज दिस, एक्स इज इक्वल टू 9 इंटू 9 माइनस 4 अपॉन 11। 9 9 81 माइनस 4 अपॉन 11, 77 अपॉन 11, 7 जा एक्स इज इक्वल टू 7। अब बेटा ध्यान से देखना आप लोग, जो हमारा न्यूमरेटर है वो 7 आ गया और जो डिनोमिनेटर है वो 9 आ गया, देयरफॉर फ्रैक्शन फ्रैक्शन इज इक्वल टू हमारा क्या था, एक्स अपॉन वाई, एक्स की वैल्यू 7 वाई की वैल्यू 9, फ्रैक्शन विल बी 7 अपॉन 9। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं इसको जल्दी से, यहां पर हमारा क्वेश्चन क्या करा, फ्रैक्शन बिकम्स 9 अपॉन 11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 एड कर दिया तो हमारी फ्रैक्शन हो गई 9 अपॉन 11। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 11 से एक्स में मल्टीप्लाई किया, फिर 11 से 2 में मल्टीप्लाई किया, 9 से वाई मल्टीप्लाई किया, 9 से 2 में मल्टीप्लाई किया 9 वाई। अब इसके बाद हमने क्या किया, ये प्लस 22 को हमने इधर ट्रांसपोज कर दिया, 18 माइनस 22 दैट इज माइनस 4, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 9 वाई माइनस 4 अपॉन 11। इसके बाद क्या हुआ, सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि अगर 3 इज एडेड इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 एड किया जाता है तो हमारा फ्रैक्शन हो जाता है 5 अपॉन 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमें इक्वेशन मिल जाएगा। अब इस इक्वेशन में एक्स की ये वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हमें वाई की वैल्यू मिल जाएगी, वाई की वैल्यू फिर यहां पुट कर देंगे तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, और इस तरह से हमारा फ्रैक्शन मिल जाएगा 7 अपॉन 9। एंड दिस इज अवर आंसर, अगर हम चाहें तो आंसर चेक भी कर सकते हैं। इसमें 2 एड करो तो 7 प्लस 2 9, और 9 में 2 एड करो 9 प्लस 2 11, तो 9 अपॉन 11 हो गया। चलिए सेकंड वाला, इसमें इसमें 3 एड करो, 7 प्लस 3 10, 9 प्लस 3 12, 2 5 2 6 जा 5 अपॉन 6 के इक्वल हो गया, तो इसलिए हमारा आंसर हो गया। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। चलिए हम लोग देखते हैं लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। 5 ईयर्स हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, एंड 5 ईयर्स एगो जैकब्स एज वाज 7 times ऑफ दैट ऑफ हिज सन, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। तो हम सपोज कर लेते हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू एक्स ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज इक्वल टू वाई ईयर्स। यहां पर पूरा लिख दीजिए आप, प्रेजेंट एज ऑफ। अब हमारे पास 2 वेरिएबल्स हो गए तो हमारे पास 2 कंडीशन होंगी। चलिए हम पहले इक्वेशन फॉर्म करते हैं, पहले फर्स्ट कंडीशन लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, 5 ईयर हैंस, आज से 5 साल बाद। तो इट मींस सपोज कर लीजिए आप आज 15 ईयर्स के हो, आफ्टर 5 ईयर्स आपकी एज क्या होगी, तो आप जान गए तुरंत कि आपकी एज 20 ईयर होगी। क्या किया आपने, अपनी एज में 5 ईयर आपने प्लस कर दिया। लेकिन अगर हम पूछे कि 5 ईयर्स एगो आप कितने साल के थे, तो आप तुरंत ही बता दोगे सर 10 ईयर। कैसे, आप अपनी एज में से 5 ईयर माइनस कर दोगे। इट मींस अगर हमें आगे की एज फाइंड आउट करनी है तो हम उतने ईयर प्लस करेंगे, और पीछे की एज फाइंड आउट करनी है तो उतने ईयर माइनस करेंगे। चलिए देखते हैं, यहां पर 5 ईयर हैंस एज ऑफ जैकब विल बी एक्स प्लस 5। जैकब की एज में 5 ईयर प्लस कर देंगे और उसके सन की एज क्या हो जाएगी, वाई प्लस 5। तो जैकब की एज जो है वो 3 times आपकी सन थी उस होगी, मींस ये जैकब की एज है उसके सन की एज की 3 times। इट मींस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 3 वाई प्लस 3 5 15, और एक्स माइनस 3 वाई इज इक्वल टू 15 प्लस 5 ट्रांसपोज अदर साइड, इट मींस एक्स माइनस 3 वाई इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग सेकंड कंडीशन लगाते हैं, कह रहा है 5 ईयर्स एगो, एगो मींस आज आप 15 ईयर के हो, 5 ईयर्स एगो आप कितने ईयर के थे, 10 ईयर के थे। कैसे निकाला आपने, 15 माइनस 5 कर दिया
तो यहां पर हम क्या करेंगे कि अगर हम जैकब की एज निकालना चाहें 5 ईयर्स एगो की, तो हम क्या करेंगे, जैकब की एज में से 5 ईयर माइनस कर देंगे और उसके बेटे की एज में से भी 5 ईयर्स माइनस करेंगे, तभी तो उसकी 5 साल पहले की एज आएगी। तो जैकब की एज उसके बेटे की एज की 7 टाइम्स थी। एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। माइनस 5 को ट्रांसपोज कर दीजिए, एक्स इज इक्वल टू 7y माइनस 35 प्लस 5, देन एक्स इज इक्वल टू 7y माइनस 30। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम इक्वेशन नंबर सेकेंड से जो एक्स की वैल्यू मेरे पास आई है उसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दूंगा। पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 7y माइनस 30 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 7y माइनस 30 माइनस 3y इज इक्वल टू 10। 7y माइनस 3y मीन्स 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 30 ट्रांसपोज अदर साइड प्लस 30, देन 4y इज इक्वल टू 40। y इज इक्वल टू 40 अपॉन 4 और 10 जा, देन y इज इक्वल टू 10। वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 10, पुटिंग y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। पुटिंग y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। आप सेकेंड में पुट कर सकते हो, फर्स्ट में पुट कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। x इज इक्वल टू 7 इंटू 10 माइनस 30। x इज इक्वल टू 7, 10 जा 70 माइनस 30, x इज इक्वल टू 40। देयरफॉर वी कैन राइट हियर प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू 40 ईयर्स। राइट कर दीजिए, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू 40 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज इक्वल टू 10 ईयर्स। अब हम जल्दी से अपने आंसर को चेक भी कर लेते हैं। चलिए यहां से 5 ईयर हैंस, अभी जैकब 40 ईयर्स का है, 5 ईयर हैंस उसकी एज क्या होगी, उसकी एज होगी 40 प्लस 5 इज इक्वल टू 45 और उसके बेटे की एज कितनी है, 10 ईयर है, तो उसकी एज क्या होगी, 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। तो ये कह रहा है कि ये उसकी एज जो है 3 टाइम्स ऑफ हिज सन होगी, तो 15 का 3 टाइम्स अगर आप करोगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, 45 के इक्वल हो जाएगा। तो एक तो कंडीशन हमारी इसने सेटिस्फाई कर दी। चलिए दूसरी कंडीशन देख लेते हैं हम लोग। 5 ईयर्स एगो, अभी जैकब कितने ईयर का है, 40 ईयर का है, 5 ईयर एगो इसकी एज क्या होगी, 35। उसका बेटा कितने साल का है, 10 ईयर का है, 5 ईयर्स एगो उसकी एज क्या होगी, क्या थी, 5 थी। तो ये 35 का कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स, 7 5 35। तो बोथ कंडीशन आर सेटिस्फाइड, देयरफॉर आवर आंसर इज करेक्ट। राइट कर ले बेटा आप लोग इसको।